वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको इस वीडियो में अपने पास जो हमारे फुशिया है उसके बारे में बताऊंगा। फुशिया की मेरे पास कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं, कौन कौन से कलर हैं। 17 कलर हैं जी इसमें मेरे पास, वो मैं आपको दिखाऊंगा आज इंशाल्लाह। ये सबसे पहला कलर आप देख सकते हैं, वाइट और पर्पल। ये एक बास्केट बनी हुई है हमारे पास, आप इसे चेक कर सकते हैं। इसमें मेरे पास ये दूसरा कलर है जी, रेड और तेज़ पर्पल कलर। ये अभी कुछ फूल हैं और कुछ कलियां भी इसके ऊपर आ रही हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में ये यहाँ पे हमारे फूल ज़्यादा देता है, इसलिए अब इसके ऊपर कलियां हैं और आगे जो नेक्स्ट डेज आएंगे उनमें इंशाल्लाह ये मज़ीद फूलों पे आ जाएगा। वाइट और पर्पल, ये इसकी बास्केट एक मैंने बनाई है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये इसमें दूसरी मेरे पास बास्केट बनी हुई है जी, ये आप फूल चेक कर सकते हैं। ये एक अलग वैरायटी है मेरे पास, रेड कलर की इसकी पत्ती है और जामुन कलर की तेज़ इसमें, ये डबल में है जी। ये आप देख सकते हैं हमारे पास बास्केट तैयार है। ये इसमें एक और वैरायटी है जी हमारे पास, रेड और सफ़ेद, ये सिंगल में है, ये भी हमने बास्केट में लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और माशाल्लाह इसके साथ अच्छी कलियां आई हैं इस दफ़ा, ये आप चेक कर सकते हैं। ये एक और वैरायटी है मेरे पास, ये मिनिएचर वाला में से कहते हैं जी, छोटा सा फूल होता है उसका, ये रेड कलर, और ये अभी कली इसकी खिली नहीं है, ये कली पे है, अभी फूल पूरा बना नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि आगे नेक्स्ट जो हमारे वीज आएंगे बरसात वाले, जिसमें धुंध पड़ दी है हमारे मरी में, तो उसमें ये पौधा माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। और मज़ीद जो मेरे पास पौधे हैं उनकी भी मैं इंशाल्लाह आपको अगली नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आप मज़ीद कलर भी इनमें दिखाऊंगा, और आगे जो हमारी वीडियोज़ होंगे उनमें मैं ये लगाने का तरीका भी आपको बताऊँगा कि ये कैसे कटिंग लगती है और कैसे इसे तैयार करते हैं। ये जो हमारा सेटअप बना हुआ है इसमें आप देख सकते हैं,